नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबर। नगर वासियों ने कन्या परिसर और एकलव्य विद्यालय मुख्यालय पर बनाने की मांग को लेकर SDM को सौंपा ज्ञापन। खबर खरगोन से, जहां कन्या शिक्षा परिसर एवं एकलव्य विद्यालय भगवानपुरा में यथावत बनवाने को लेकर जनपद पंचायत में नगरवासियों ने SDM सत्येंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपकर भगवानपुरा में दोनों परिसर की स्वीकृति की मांग की है, जिस पर SDM ने नगरवासियों को आश्वासन दिया। बता दें कि शासकीय कन्या शिक्षा परिसर फिलहाल में धूलकोट में स्थानांतरित है और मॉडल स्कूल में चल रहा है, साथ ही एकलव्य विद्यालय की स्वीकृति भी धूलकोट हो गई है। नगरवासियों का कहना है कि यह कन्या परिसर भगवानपुरा में सुचारू रूप से पिछले 3-4 सालों से चल रहा था एवं कन्या शिक्षा परिसर के लिए मुख्यालय पर भूमि भी आवंटित की गई थी, लेकिन 2 सालों से षड्यंत्र पूर्वक यह कन्या परिसर धूलकोट में चल रहा है, किंतु भगवानपुरा मुख्यालय में आज तक सरकार द्वारा परिसर का भूमि पूजन किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा नहीं कराया गया। मुख्यालय होने के साथ यहां पुलिस थाना, जनपद पंचायत, तहसील, ITI कॉलेज, विधानसभा होने के बावजूद भी जनपद मुख्यालय पर कन्या शिक्षा परिसर की उपेक्षा की जा रही है। यदि मुख्यालय पर नवीन कन्या परिसर बनेगा तो आसपास के ग्रामों की सैकड़ों गरीब बालिकाओं को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही एकलव्य विद्यालय भी मुख्यालय पर बनाए जाए, इसके लिए जगह भी पर्याप्त है। इसी संदर्भ में कन्या शिक्षा परिसर और एकलव्य विद्यालय यथावत मुख्यालय पर बनाए जाए, इसके पूर्व क्षेत्रीय विधायक केदार डावर और खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल ने भगवानपुरा में कार्यक्रमों के दौरान नगरवासियों को मुख्यालय पर ही कन्या शिक्षा परिसर और एकलव्य विद्यालय की स्वीकृति का आश्वासन दिया था। इस दौरान ज्ञान सिंह डावर, ईश्वर सिसोदिया, कान्हा जायसवाल, प्रदीप महाजन, सचिन मालवीय आदि मौजूद थे। हाँ, मैंने जानकारी ली है तो उसमें मुझे ये जानकारी मिली कि कन्या शिक्षा परिसर के लिए भगवानपुरा में पहले जमीन आवंटित हुई थी, बाद में वो शायद शासन स्तर से उसका ट्रांसफ़र हो गया था रायसेन में, फिर वो रायसेन से पुनः खरगोन को कन्या शिक्षा परिसर आवंटित हुआ, और उसके बाद दो आदिम जाति कल्याण विभाग के जो सहायक आयुक्त हैं SC ट्राइबल, उनके पत्र के आधार पर जो हमारे तहसीलदार हैं उन्होंने धूलकोट में वो जगह प्रस्तावित की थी, और संभवतः 15-10 में 2020 में अपर कलेक्टर महोदय का आदेश भी उसमें हो चुका है आवंटन का। फिर भी ये जानकारी आई है एक ही कन्या शिक्षा परिसर के लिए दो जगह अलग अलग भगवानपुरा में और फिर धूलकोट में जमीनें आवंटित हुई हैं। तहसीलदार के द्वारा अवगत कराया गया कि उनके संज्ञान में नहीं था पहले क्या हुआ था, चूँकि उनकी जानकारी में नहीं थी इसलिए धूलकोट का उन्होंने प्रस्तावित कर दिया था। अब मैं अपर कलेक्टर महोदय से चर्चा करके इस बारे में जो भी होगा निर्णय वो हम लोग उस पर। खरगोन से धर्मेश कुमरावत की रिपोर्ट।